हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चीज़ी बटर गार्लिक ब्रेड की एक ऐसी रेसिपी जो सभी की फेवरेट होती है और मेरी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट की आवश्यकता होती है और ये देखिए हमारा ब्रेड कितना ही टेस्टी, सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनकर तैयार हुआ है, एकदम चीज़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके साथ ये वीडियो। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बाउल, उसमें मैंने ऐड कर दिया है हाफ कप ऑफ मिल्क। मिल्क हमें गुनगुना ही यूज़ करना है। उसके साथ हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून शुगर और साथ में मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून यीस्ट और इसको छोड़ देंगे हम 10 मिनट्स के लिए, रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए 10 मिनट्स हो गए हैं और हमारी यीस्ट भी फर्मिनेट हो गई है। तो चलिए इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और मैदा 1 कप इसमें मैंने मैदा ऐड किया है। जितना आप दूध इसमें ऐड करेंगे उसके डबल आपको मैदा इसके अंदर ऐड करना है। मैं इधर मैदे का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से हाथों से गूंद लिया है और साथ में इसमें मैंने ऐड कर दिया है बटर। बटर डालने के बाद ये बहुत अच्छा सा डो बनकर रेडी हो जाएगा और ये देखिए हमारा डो एकदम परफेक्ट रेडी हो गया है। इसको हम कवर करके रख देते हैं विद इन आवर के लिए। अगर आप इसको गर्मी में तैयार कर रहे हो तो आप इसको 1 घंटे के लिए ही रखें, अगर आप सर्दी में इसको बना रहे हो तो आपको 2 घंटे के लिए इसको रखना होगा। तो चलिए हमारा हो गया है डो रेडी और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए अच्छे से दोबारा गूंद लेंगे। जिसमें एयर बबल्स हैं वो सब निकल जाएंगे, उसको आप हाथों से अच्छे से गूंद लीजिए। तो चलिए हमारा डो हो गया है रेडी। अब हम इसमें थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और अपना एक अच्छे से रोटी की इसको शेप दे देंगे। हमें इसको ज़्यादा पतला नहीं बनाना है क्योंकि हम इसे ब्रेड में बना रहे हैं। इधर मैं इसको बेलन की हेल्प से इसको रोल कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथों से हथेलियों से भी इसको कर सकते हैं। तो देखिए हमने बना लिया है इसका एक रोटी तैयार कर ली है, इसको ना ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा हमारा पतला है। तो साइड में मैंने ले लिया है बटर, इधर मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें गार्लिक क्रश की हुई डाल दी है और साथ ही में मैंने ऐड किया है रेड चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो और ये धनिया पत्ती। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा मिक्सचर हो गया रेडी, अब हम इसको आराम से अपने ये जो हमने रोटी बनाई है उसके ऊपर फैला लेंगे। अच्छे से आप इसको चारों तरफ फैला लीजिए। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मोज़रेला चीज़। मैं इधर मोज़रेला चीज़ का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, हमें एक साइड पर ही चीज़ को ऐड डालना है। अपने हाथों से इसको अच्छे से प्रेस कीजिए और इसको कवर कर दीजिए ताकि आपकी जो चीज़ है वो मेल्ट होकर बाहर ना आए। और जब हमारा पेस्ट बचा हुआ था हम इसको ब्रेड के ऊपर लगा लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से फैला लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं चाकू की हेल्प से इसके ऊपर कट दे रही हूँ, जैसे मार्केट में आता है वैसे ही। हमें इसको अच्छे से बिल्कुल नीचे तक कट का निशान नहीं लगाना है, सिर्फ हल्के हाथों से ही कट का निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको बना रही हूँ अवन में, आप चाहें तो इसको कढ़ाई पर गैस पर भी बना सकते हैं। तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर दिया है बेकिंग ट्रे पे और इसको बना लेते हैं। तो मैं इधर 20 मिनट्स के लिए बेक करने के लिए रख देती हूँ। और बीच बीच में अपना ब्रेड आप चेक भी करते रहिए। तो देखिए हमारा ब्रेड बनकर बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल मार्केट जैसा ब्रेड, चीज़ी बटर गार्लिक ब्रेड बनकर रेडी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसको चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ,
इंजॉय कर सकते हैं या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। तो देखिए हमारा सॉफ्ट और एकदम फ्लफी चीज़ी बटर गार्लिक ब्रेड बनकर रेडी है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो देखिए हमारा कितना अच्छा ब्रेड बनकर रेडी हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।